नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जाने वाले हैं देश का नाम रोशन करने वाली मिस यूनिवर्स हरना साधु की। दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2021 इवेंट में होस्ट स्टीव हर्वे ने इंडिया की प्रतिनिधित्व करने वाली हरना साधु से बिल्ली की आवाज़ निकालने को कहा था। हालांकि लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। लोगों को ऐसा लगा कि ये भारत को नीचा दिखाने की कोशिश थी। इसके पीछे की सारी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, भारत की पूर्व मिस यूनिवर्स लारा दत्ता ने इसके बारे में खुलासा किया है। उसने बताया कि ऐसे सवाल ये जानने के लिए पूछे जाते हैं कि कंटेस्टेंट्स मज़ेदार सवाल पूछने पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी का लाइट साइड देखने का तरीका है। हर सवाल दुनिया को बचाने या मदर तेरेसा होने या दुनिया की भूख ख़त्म करने के बारे में नहीं होते हैं। दोस्तों, हरनाज ने ऐसा लिखा था कि उसे जानवरों की आवाज़ की नकल करना अच्छा लगता है, इसलिए होस्ट ने हरनाज साधु से बिल्ली की आवाज़ निकालने को कहा। हालांकि सभी भारतीयों को लग रहा था कि होस्ट ने हरनाज साधु से बिल्ली की आवाज़ निकलवा कर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन लारा दत्ता ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हर कंटेस्टेंट को 15 पेजेस का क्वेश्चन आंसर्स का फॉर्म भरना पड़ता है। इसमें अपने शौक से जुड़े सवाल शामिल होते हैं। लारा ने हरनाज की तारीफ करते हुए ये कहा कि हरनाज ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला है। वो इसके बारे में बहुत ही बेपरवाह थी। उसने इसके बारे में ज़्यादा डीप थिंकिंग नहीं की। मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कई बार आपको खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लारा ने कहा कि हरनाज बहुत ही हॉनेस्ट लड़की है। वो थोड़ी नासमझ है, इस बारे में जानती है कि वो कौन है और कैसी है। दोस्तों, आपको ये हरनाज की खासियत कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।